नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतिका तवर, प्राध्यापिका हिंदी विभाग। आज आपके समक्ष रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी के तृतीय सर्ग को प्रस्तुत करूंगी। इसके पूर्व रश्मि रथी के रचनाकार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय आपको देना चाहूंगी। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। 2 वर्ष के थे तभी पिताजी का देहांत हो गया और परिणाम स्वरूप प्रारंभिक जीवन अत्यंत संघर्ष एवं कठिनाइयों से भरा गुजरा। विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद पढ़ाई का चाव प्राणों में बसा और इतिहास में बीए की उपाधि प्रतिष्ठा सहित 1932 में प्राप्त की। बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया। 24 अप्रैल 1974 को तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के पश्चात मद्रास में ही परमपिता परमेश्वर में विलीन हो गए। बीए करने के पश्चात आगे पढ़ना तो आप चाहते थे, परंतु आर्थिक कष्टों के चलते नौकरी की खोज की और सर्वप्रथम एक हाई स्कूल में 1933 में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। एक साल के अंदर ही 1934 से 1947 यानी कि करीब 13 वर्षों तक बिहार राज्य में एक रजिस्ट्रार एवं प्रचार विभाग में उपनिदेशक के पद पर आपने कार्य किया। 1947 में मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्य किया और 1952 में जब प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 1963 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर आसीन रहे एवं इसके पश्चात करीब 6 वर्ष तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बनकर अपनी सेवाएं प्रदान की। दिनकर जी के व्यक्तित्व को देखें तो उनकी प्रारंभिक रचनाओं में कोमल भावनाओं की जो क्षीण धारा रेणुका में प्रकट हुई थी वह रसवंती तक आते आते सुविकसित हो गई। उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय स्वाभिमान सबसे ज्वलंत रूप में प्रकट हुआ है। उनकी सुविख्यात कविता कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा में वही युद्ध और शांति की समस्या का द्वंद्व कुरुक्षेत्र में व्यक्त होकर सुप्रतिष्ठित हो चुका। कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त है। संस्कृति के 4 अध्याय उनकी गहन गवेषणा तथा भारतीय संस्कृति के प्रति उत्तम प्रेम का विशिष्ट उपहार है, साथ ही उनकी विलक्षण प्रतिभा का सजीव प्रमाण भी। वही उनकी रचना उर्वशी को तो हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रकवि दिनकर की रचनाओं में एक तरफ ओज है, विद्रोह है, आक्रोश है और क्रांति का स्वर है, तो दूसरी ओर मानवीय कोमल श्रृंगारिक भावनाएं भी हैं। आपके काव्य में प्रगतिवादी मानवतावादी भावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं, तो वहीं उनकी रचनाएं पढ़कर पाठकों के हृदय में वीर रस की ज्वाला भी धधक उठती है। सच है, आपने अपनी विलक्षण प्रतिभा से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। दिनकर ने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में साहित्य सृजन किया है। अनेक देशी विदेशी भाषाओं में आपकी कविताएं अनुदित हो चुकी हैं। भारतीय काव्य गगन के अति दैदीप्यमान नक्षत्र दिनकर जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख रूप से संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए 1959 के साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में ही पद्म भूषण एवं 1972 में उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ से अलंकृत हो चुके हैं। दिनकर जी के इस संक्षिप्त परिचय के पश्चात हम उनकी अद्वितीय रचना दिनकर के रश्मि रथी के तृतीय सर्ग की कथा को जानते हैं।
रश्मि रथि का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। इस काव्य में रश्मि रथी सूर्य एवं कुंती पुत्र कर्ण है, जो कि महाभारत का यशस्वी पुण्यमय प्रोज्वल पात्र है। रश्मि रथी के तृतीय सर्ग की कथा कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि 13 वर्षों तक वनवास और अज्ञातवास झेलने के पश्चात पांडव इंद्रप्रस्थ आते हैं और कौरवों से अपना राज्य वापस मांगते हैं, किंतु दुर्योधन ने उन्हें राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। कौरवों तथा पांडवों के बीच संधि कराने के लिए श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं, लेकिन संधि तो दूर की बात, दुर्योधन ने श्री कृष्ण को जंजीरों में बांधना चाहा। इस पर श्री कृष्ण क्रोध से भर उठते हैं और भरी सभा में अपने विराट रूप को प्रकट करते हैं। वे दुर्योधन को चेतावनी देते हैं कि अब तो युद्ध होकर रहेगा और जिसमें तेरी पराजय निश्चित है। कृष्ण के क्रोध और विराट रूप को देखकर सभा चेतनाहीन हो जाती है। कुछ लोग उस रूप को देखकर मूर्छित होने लगते हैं। तो आइए, प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर रचित रश्मि रथी का तृतीय सर्ग। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। श्री कृष्ण कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हां हां दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है। यह देख पवन मुझमें लय है। मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है। संसार सकल अमरत्व फूलता है मुझमें। संहार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे है मैनाक पे में रूपग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें। हां हां दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना
हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विष्बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर्न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।